हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो हमारे साथ एक हमारे पेशेंट हैं जो फुली रिकवर हो चुके हैं। इट्स बीन 3 ईयर, 3 साल हो चुके हैं। इन्होंने 6 सेंटीमीटर लेंथन किया था। तो अभी इनकी लाइफ कैसी है आफ्टर लेंथनिंग, वो जानेंगे इनसे। मैंने नवंबर 2019 में किया था और 3-4 महीनों के बाद मेरी रिकवरी हो गई थी। मैं चलने लगा था और अभी तो जो है ना 3 साल हो गए हैं। मैं अभी चल सकता हूँ मैं, और आई कैन ऑल्सो रन मॉडरेटली। मैं ज़्यादा दौड़ता नहीं हूँ, मे बी इट्स साइकोलॉजिकल ब्लॉकर जो मैंने ट्राई नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वन, आई गो टू जिम क्वाइट रेगुलरली। आई डू डेड लिफ्ट, आई डू लेग प्रेसेस एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग इज डेली लाइफ, डेली रूटीन में। डेली रूटीन इज क्वाइट नॉर्मल राइट नाउ। अभी तक मैंने रॉड नहीं निकाले, वो छोड़कर सब कुछ नॉर्मल ही है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से जो कराना चाहते हैं लिम लेंथनिंग, क्योंकि मन में एक बैरियर रहता है कि आफ्टर दैट के कुछ को कुछ भी नहीं बोलना चाहता। हर एक की अपनी मर्जी है। रिसर्च करो और उसके बाद डू योर ओन रिसर्च, नॉट जस्ट वीडियोस। रीड 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 एंड देन व्हेन यू आर कंप्लीटली ओके एंड व्हेन यू हैव वेटेड ऑल योर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स विद रिस्क, तो शायद थोड़े बहुत हो सकते हैं। देख के करवाना, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी डॉक्टर को उठा लिया। देखकर हर चीज का और हर चीज का सोचकर आपको 2-3 महीने निकाल के भी रखने होते हैं जिंदगी के, क्योंकि यू कैन नॉट वॉक एंड स्टफ ऑन दैट टाइम। तो उस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको कौन केयर कर रहा है और कौन नहीं केयर कर रहा वगैरह। सो आर यू हैप्पी? या आई एम क्वाइट हैप्पी विद द डिसीजन आई टुक। या ड्यूरिंग द सर्जरी, सो व्हेन ही केम ही वाज अलोन आई थिंक उस टाइम हमारे पास। एक्चुअली सर्जरी के बाद आई रिग्रेटेड लाइक एनीथिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द सर्जरी, क्योंकि आई कैन नॉट मूव माई लेग्स और एनीथिंग। ऐसे लगा कि भाई क्या कर दिया मैंने। हाँ बिल्कुल। उसके बाद अगले 2-3 महीने तक थोड़ा सा पछतावा सा रहा। How was care that time? जैसे कि हमारी बात से हम लोगों ने क्या, वो कैसा था सब कुछ? No, I mean the dealing with you and everything has gone quite well and everything, and it was quite good. I had better relation with you and everything. Everything has gone great. तो ये था इनका अब तक का रिव्यू। ये उनके लिए जो लोग सोचते हैं कि after limb lengthening क्या होगा, क्योंकि बात का limb lengthening आपकी लाइफ नॉर्मल से ही रहेगी, लेकिन ये मत सोचना कि फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने स्पोर्ट्स किया था। उतनी रिकवरी नहीं आ जाएगी आपकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीटी उषा जैसे दौड़ रहे हो पहले, यू कैन नॉट कम बैक टू दैट वन फॉर श्योर 100%, लेकिन वो छोड़ के यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ कम्प्लीटली। बट अगर उसको प्रॉपर ट्रेन करें तो शायद हो सकता है। मैं मेडिकल फील्ड का नहीं हूँ, शायद आप हों तो आप बेहतर जानते होंगे। मैं स्पोर्ट्स के लिए तो ट्रेन नहीं किया तो उसका नहीं बता। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट वन एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन। मैं जिम करता हूँ, मैं जिम के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की सी कभी थोड़ी पेन रहती है शायद, वो भी नेल्स की वजह से जो कि मैंने नहीं निकाले अभी तक। स्कार कैसे हैं अभी? स्कार कंडीशन अभी बेटर हुआ है? दिस इज आई थिंक स्क्रूज, देयर इज स्क्रू इनसाइड। दिस इज पेन स्कार, जो जो वायर लगे थे फ्रेम के साथ। वेयर नेल इंसर्टेड, दिस इज नेल ऑलमोस्ट गॉन। यस आई थिंक दिस इज
osteotomy. I think it's almost gone. Screws and penis cards. Yeah, almost gone. It's good.